हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी गुड पोएम ऑफ सचल सरमस्त, दैट इज ही केम टू नो हिमसेल्फ। सचल सरमस्त एक सिंध के मरूफ सूफी बुजुर्ग और शायर हैं। आपको द पोएट ऑफ सेवन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि आपने सिंधी में भी शायरी की है, आपने उर्दू में भी शायरी की है, बलोची में भी शायरी की है, पंजाबी में भी शायरी की है, पर्शियन में भी शायरी की है, सराइकी में भी शायरी की है। तो इसी तरह इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में इन्होंने पोइट्री की है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका एक मैसेज है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी है इसमें। हिज पोइट्री इज रिप्लीट विद डिवाइन लव। आपकी जो पोइट्री है ना, डिवाइन लव के साथ भरी पड़ी है, फुल ऑफ डिवाइन लव है। तो यही चीज़ आपको हमें इस पोइट्री में नज़र आएगी। सूफीज़म में एक बात याद रखें, ये पैंथीज़म के जो है बिलीफ, इस पे यकीन रखते हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड इज़ ऑल इज़ गॉड, हर चीज़ गॉड है। इसे हम हमाउस्त कहते हैं। हमाउस्त का जो थ्योरी है, हमाउस्त का जो नज़रिया है कि ऑल इज़ गॉड, हर चीज़ खुदा है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इंसान जो मेहनत करता है, जो अपने रब के करीब होता है, वो जो है वो रब का प्यार पा लेता है, और वो खुद रब, जो रब उसके अंदर से आके रब बात करता है, वो खुद नहीं बोलता। तो उसने कुछ एग्जांपल भी कोड की हैं। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स द पोएम। ही केम टू नो हिमसेल्फ, ये पोएम का नाम है। ही केम टू नो हिमसेल्फ, ही केम वो आया टू नो, जानने हिमसेल्फ, अपने आप को, वो अपने आप को जानने आया। एक तो इसका ये मतलब है, एक इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को जान गया। तो दो मतलब हैं इसके। अब किधर लगाते हैं आप ये दोनों मीनिंग जो हैं, इस पोइट्री के लिहाज से फिट बैठते हैं। इसलिए फिट बैठते हैं, जब उसने कह दिया है कि एक क्रिएटर और क्रिएचर में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। एक बंदा जब अल्लाह से प्यार करता है, लव करता है, तो उसका अल्लाह के वो इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसके अंदर से आके अल्लाह ताला बोलते हैं। ये इनका नज़रिया है। और इसके लिए डिफरेंट हमारे पास पंजाबी की एग्जांपल भी हैं, और इसके लिए हमारे पास सचल सरमस्त की शायरी भी है, बुल्ले शाह की शायरी भी है। बल्कि बुल्ले शाह का एक शेर है, मैं भी तू विच बुल्ला कौन नमाना। यानी कि हमारे दरमियान बुल्ला कहाँ से आ गया, मैं और तुम एक ही बात हो। इसी तरह की बात एक और शायर है, मैं इतना गुम हो जाऊँ तेरी ज़ाते आली में, वो मुझे देखे और उसको तेरा दीदार हो जाए। तो वो अपने आप में ही खुदा को देखते हैं। ऐसी ही बात मीर तकी मीर ने भी की है। एक मीर तकी मीर ने कहा है कि पहुँचा जो आप ताई तो पहुँचा खुदा के ताई, मालूम अब हुआ बहुत मैं भी दूर था। इसी तरह अल्लामा इकबाल भी चूँकि सूफीज़म पर बिलीव रखते थे, अल्लामा इकबाल का भी ऐसी कुछ शायरी है, अपने ही मन में डूब कर पाजा सरागे ज़िंदगी। अल्लामा इकबाल की एक पोएम आपने पढ़ी थी, रुबाइयात, उसमें उन्होंने फेथ, अकीदा, फेथ के बारे में ये बताया है कि फेथ, उसने क्या कहा, उसने कहा है कि सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ। क्लियर, सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ। गॉड ड्रंक मीर खुदा की मोहब्बत में गर्क हो जाना, खुदा की मोहब्बत में डूब जाना। तो सूफीज़म में या हमाउस में या बुज़ुर्गान दीन में या बुज़ुर्ग जो बुज़ुर्ग सूफिया हैं उनकी लैंग्वेज में जो लव है उसका सिर्फ दो ही मतलब हैं। लव जो है वो लव को एक तो लवर बोलते हैं, दूसरा बिलव्ड है, बस तीसरा कुछ नहीं है। वो कहते हैं लव जो है ना, वो अपने लवर हम लोग हैं जो अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, और गॉड को उसने बिलव्ड कहा है। बस दो ही मोहब्बत है, तीसरी कुछ नहीं है। इसी को देखते हुए ये दुनिया की जो मोहब्बत है ना, हीर रांझा है, ससी पुन्नू है, सोनी महिवाल है, इस तरह कुछ और जो दास्तानें हैं पंजाबी की, उसी को वो यही रंग देते हैं इश्क हकीकी का। इसलिए एक ही कैटेगरी में सबको रखते हैं वो। तो वो कहते हैं कि जो अपने आप तक पहुँच गया वो खुदा तक पहुँच गया। तो यहाँ भी ये है, दो मतलब मैंने आपको बताया है। एक तो है कि वो अपने आप को जान गया, जो अपने आप को जान जाता है कि मेरे और खुदा में फ़र्क नहीं है, वो जानना है, वो अपने आप तक पहुँच जाता है। हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि खुदा को हम ढूंढते फिरते हैं अर्शों में, ठीक है ना, फर्श पे, अर्श पे, आसमान पे, तो लेकिन खुदा तो हमारे अंदर ही होता है,
सिर्फ हमने ढूंढना होता है, तलाश करना होता है। इसी तरह की पंजाबी शायरी जो है ना इसी सूफीज़म के इस बिलीफ पे भरी पड़ी है, इस अकीदे पे भरी पड़ी है हमारी पंजाबी शायरी। तो आइए हम देखते हैं इसका जो पहला वर्स है ना, ही केम टू नो हिमसेल्फ, वो उसने टाइटल को उठा के इधर रख दिया है। टाइटल ही है, वो अपने आप को जान गया, वो अपने आप को पहचान गया कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब अल्लाह ताला हमें कहते हैं ना कि इंसान दो चीज़ें जानते हैं हम लोग, कि हम कौन हैं और हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। दो बातें हैं, तख्लीक का मकसद तो क्लियर कट है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि इंसान और जिन को इबादत के लिए पैदा किया गया। यही वो कहते हैं कि इस इबादत को इतना आगे ले जाएं, अल्लाह की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाएं कि उसका और हमारा फ़र्क ख़त्म हो जाए। यहाँ जाके ये बात जो ना इस तरह की बात करते हैं सूफीज़म में। तो लेट अस मूव टूवर्ड द सेकंड लाइन, ही केम टू नो हिमसेल्फ, वो अपने आप को जान गया, उसको अपनी पहचान हो गई। क्या पहचान हुई? नॉट एल्स, कुछ और नहीं है, हैड ही इन व्यू, बस वही नज़रों में है। व्यू होता है देखना, नज़र में होना, बस मेरी नज़रों में कोई और है ही नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है। ही से मुराद है अल्लाह ताला, मेरी नज़रों में कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, हर तरफ मुझे तू ही तू नज़र आता है। नॉट एल्स का मतलब कुछ, कोई और नहीं, ये नॉट है, NOT, नॉट, इसका मतलब है नॉट नथिंग, नथिंग देर, नथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट गॉड। यही तो बिलीफ है इनका कि अल्लाह ताला के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्लियर? टू बी एबल टू रियलाइज दिस, इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए, इस चीज़ को पहचानने के लिए, फॉर द रिकग्निशन ऑफ दिस बिलीफ, ये कीदे को जानने के लिए क्या किया? ही गॉट इन मैच्ड इन लव, वो खुदा जो था वो उसने हमारे अंदर एक मोहब्बत का बीज बो दिया। इन मैच्ड होता है टू मिक्स अप, इन मिंगल, मिंगल हो जाना, मिक्स अप हो जाना, मिलजुल जाना। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर मोहब्बत को मिंगल कर दिया है, मोहब्बत को मिला दिया है, मोहब्बत का एक नेट बना दिया है, मोहब्बत का एक जाल बना दिया है जिसमें हम लोग ट्रैप हो गए हैं। अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत है, कह रहा है कि उसका हमारे ऊपर एक जाल आ गया है, जिस जाल से हम बाहर नहीं निकल सकते, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार हैं, डूबे हुए हैं, ड्रंक्ड हैं। तो यही बात यहाँ हुई है, ही अलाइटेड फ्रॉम हिज हेवन, वो आसमान से नीचे उतर आया। देखें हाई हेवन कहा उसने, हाई हेवन क्या होता है? ऊंचा आसमान, आसमान तो पहले ही ऊंचा है। तो आपने देखा है कि जब हम हाई आसमान की बात करते हैं तो यहाँ सिदरतुल मुंतहा की बात हो रही है, क्योंकि आसमान एक नहीं है। आपको पता है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए तो आपने क्या देखा? पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, दूसरे आसमान पे हज़रत यही अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, तीसरे जो आसमान पे हज़रत अदरीस से मुलाकात होती है, चौथे आसमान पे हज़रत यूसुफ से मुलाकात होती है, पांचवें पे हज़रत जो है ना ज़िक्रिया से मुलाकात होती है, छठे में जो है ना वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, सातवें आसमान पे हज़रत इब्राहिम आपका इस्तकबाल करते हैं, जहाँ जिब्राइल भी कहते हैं कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिदरतुल मुंतहा। तो चूंकि अल्लाह ताला का ठिकाना है लास्ट, उसने हाई लगा दी, हाई हेवन, कहता है अल्लाह ताला आसमान से नीचे उतर आया है, क्या लेने आया अल्लाह ताला, देखें दोबारा, ही अलाइटेड, अलाइटेड टू कम डाउन, नीचे आना, अलाइट मीन कम डाउन, नीचे आना, उतरना, उतर गया है वो फ्रॉम हाई हेवन, ऊपर से, ऊपर के आसमान से नीचे उतर गया है, सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह ताला नीचे आ गए हैं। क्या करने आए देखें ज़रा, टू पोर, ये करने आए हैं, टू पोर होता है डालना, फेंकना, गिराना, गिराना, डालना, फेंकना, कोई चीज़ फेंकना किसी के ऊपर, क्या फेंकना? आ कास्केट ऑफ लव, मोहब्बत की बरसात करने आ गए हैं वो, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत बांटने के लिए हमारे पास आ गए हैं। मैंने कहा ना कि अल्लाह और इंसान में वो फ़र्क ख़त्म कर देता है जब मोहब्बत हो जाती है अल्लाह ताला से। वो कहता है एक ही बात है, वो कह रहा है कि वो अल्लाह ही है जो नीचे आ गया है, जिसने हमारे अंदर मोहब्बत पैदा की है, हमारे अंदर अंस रखी है, हमारे अंदर एक प्यार रखा है। तो वो फिर देखें, टू पोर डालने के लिए, कास्केड होता है बारिश कह लें, या वाटरफॉल कह लें, रेन कह लें, बरसात कह लें, ब्लेसिंग कह लें, अल्लाह ताला की रहमत कह लें, सारे मीनिंग हैं इसके, लेकिन वैसे इसका मतलब होता है कैस्केड, कास्केड होता है आबशार, वाटरफॉल, पानी। तो यहाँ आएगा मोहब्बत की बारिश, मोहब्बत का पानी, रहमत की बारिश, किस ऑफ लव, लव, लव की बारिश, लव का शावर, शावर ऑफ लव।
लव का पानी हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, लव की बारिश बरसाने हमारे ऊपर, मोहब्बत की बारिश हमारे ऊपर बरसाने आ गए हैं। यही तो वजह है कि हमारे अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो गई है। कैसी मोहब्बत पैदा हुई है देखें, बी केम मंसूर टू माउंट द गैलोस, बात आ गई ना वही, जब वो ज़मीन पर आया उसने हमारे अंदर मोहब्बत रखी, प्यार रखा, तो फिर क्या हुआ, मंसूर जो था बी केम मंसूर, मंसूर बन गया, क्या बन गया, टू माउंट, माउंट होता है ऊपर जाना, माउंटेन, इसी से वही स्पेलिंग है शुरू वाले, माउंट होता है टू गो अप, अप जाना, ऊपर जाना, ऊपर चले जाना, किस चीज़ के ऊपर चले जाना, द गैलोज, गैलोज कहते हैं फांसी को। मंसूर ने यही बात की थी जब वो, मैंने आपको कहा ना कि हमा उसका जो नज़रिया है कि मैं खुदा और मेरे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, यही बात मंसूर ने की थी कि अनल हक, कि मैं खुदा हूँ। लोगों ने उसको या बादशाह वक्त ने उसको फांसी लगा दिया, तो वो ये कह रहा है कि वो फांसी उसको नहीं लगी थी, वो अल्लाह ताला एक अल्लाह ताला एक देखने आए थे कि मेरा बंदा मेरे प्यार में कितना आगे चला गया है, उसके अंदर अल्लाह ताला आ गए थे। अल्लाह ताला को तो मौत नहीं आती ना, तो वो बंदा जो था वो उसकी मोहब्बत में इतना गर्क हो गया था, उसको फांसी की परवाह ही नहीं थी। वो तो ये कह रहा है कि देखे, उसने हमें, अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत दी, मोहब्बत की बरसात, मोहब्बत की रहमत हमारे ऊपर की, उस मोहब्बत का ये जज्बा है कि मंसूर जो था वो सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। गैलो, फांसी, सूली, माउंट होता है चढ़ना, फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो गया था, और जस्ट टू हैव हिज हेड कट ऑफ, कट ऑफ होता है सर काटना, अपना सर कटाने के लिए तैयार हो गया था, यानी मंसूर फांसी चढ़कर अपना सर कटवाने के लिए तैयार हो गया था। नेक्स्ट वन, ही ट्रीडिड द बाजार ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के बाजार में कौन फिरा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहा है वो। ट्रीड होता है टू वॉक, टू गो हियर एंड देयर, मारा मारा फिरना, टू जाना। तो जब इजिप्ट के बाजार में, मिस्र के बाजार में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाया गया, वहाँ उनको एज अ स्लेव फरोख्त किया गया, उसी की बात कर रहा है यहाँ, कि उसको किस चीज़ ने मजबूर किया, क्या चीज़ थी उसके अंदर जो उसको स्लेव बना के बिकने पर मजबूर करती थी। हालांकि उसको पता था कि मैं नबी हूँ, वो जान गया था, लेकिन वो अपने राज नहीं खोल रहा था, इसलिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतना गर्क था, उसने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं कुएं में भी गिर सकता हूँ, मैं स्लेव बन के बिक भी सकता हूँ। तो ये दो मिसालें उसने दी हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जस्ट टू बी सोल्ड फॉर अ स्लेव, एक गुलाम बनकर बिकने में, ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक गुलाम बनकर बिकने के लिए मिस्र के बाज़ारों में फिरे। दो एग्जांपल उसने दी हैं, आगे उसने छोड़ दिया है। तो हम जब दुनिया पे नज़र मारते हैं, हम देखते हैं कुछ ऐसा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, जब इब्राहीम को आग में फेंका गया तो वही था ना, खुदा उसको बचाने वाला था। दो एग्जांपल दी उसने यहाँ की, लेकिन आगे उसने मज़ीद कहा है कि वो लोग अल्लाह ताला के इतने आशिक थे, अल्लाह ताला के इतने चाहने वाले थे कि उनके लिए कोई तकलीफ़ें नहीं थी। यही बात थी हज़रत इब्राहीम ने जब अपने बेटे को छुरी के नीचे लटाया, हज़रत इस्माइल और आराम से लेट गए, उनको पता था मेरा खुदा मेरे साथ, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत की बात ही हो रही है यहाँ, अल्लाह ताला के साथ इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे लेट गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में छलांग लगा दी, और मंसूर जो था वो सूली पर चढ़ गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो बाज़ारों में स्लेव बन के बिकते रहे। तो ये इस तरह की तारीखी मिसालों से हमारा जो है ना हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। तो यहाँ ये बात हो रही थी, सच्चू स्पीक्स द बेयर ट्रुथ, सच्चू उसको ना सचल सर मस को सच्चू कहते थे, वो सच बोलते थे, सच से सच, सच सच्चू सच्चू कहना शुरू कर दिया, कुछ सचल बन गया इससे, सचल सर मस, एक ही बात है सारों का, कहता है सच्चू जो है ना स्पीक्स, वो कहता है, स्पीक टू से समथिंग, सच्चू बताता है आपको, क्या बताता है, द बेयर ट्रुथ, बिल्कुल सच्ची जो है ना बात। बेयर कहते हैं ओपन, नंगा, खाली, जिसके ऊपर कुछ ना हो, बेयर ट्री, खाली दरख्त, तो बेयर एम्प्टी, खाली, यहाँ मराद है बिल्कुल पक्की, जिसमें ऐसी सच्चाई, ट्रुथ, ऐसी सच्चाई जो ढकी छुपी ना हो, क्लियर कट हो। कहता है सच्चू आपको बड़ी सीधी बात बताता है, बड़ी सच्ची बात बताता है, क्या बात है, टू स्पीक ऑफ हिज जॉर ऑन अर्थ, टू स्पीक होता है इंडिकेट करना, टू से समथिंग बताना, टेल, ये मीनिंग भी इसका, क्या बता रहा है सचू, कि हिज उसका सजॉन कहते हैं, सजॉन आर इसमें बोला नहीं जाता, क्योंकि ब्रिटिश वर्ल्ड में, ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट वाला आर नहीं बोला जाता, सजॉन नहीं कहेंगे, सजॉन, सजॉन जो था, सजॉन कहते हैं टेम्परेरी स्टे,
आरजी क्याम, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं थोड़े सालों के लिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जितना भी होगा, अपनी जो लिमिटेड लाइफ है वो गुजारने के बाद हर एक ने जाना है। इसको उसने सजोन का है कि जो है वो हमारी एक टेम्परेरी लाइफ है। जो किराएदार होता है मकान का उसको सजोन कहते हैं, क्योंकि वो भी आर्जी होता है ना। अर्थ कहते हैं ज़मीन, कहता है ज़मीन पर ये हमारा एक क्याम जो है ना, ये बिल्कुल आर्जी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो अब इस पूरे में आप देखें, ज़रा फ़र्क देखें पूरे का, ओवरऑल करें कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दुनिया की मोहब्बत को भी अल्लाह ताला के साथ जोड़ते हैं, और साथ साथ ये वो कहते हैं कि अपने आप को देखें, जो सूफीज़म है ना, सूफीज़म में जो वो चार दर्जे होते हैं अल्लाह ताला तक पहुँचने के लिए, एक को वो लोग कहते हैं शरीयत, दूसरे को तरीकत, तीसरे को फनाफी शेख, यानी कि अपने पीर की मोहब्बत में इतना गर्क हो जाना, फना हो जाना, और चौथे को कहते हैं फनाफिल्ला। जब फनाफिल्ला का मुकाम कोई हासिल कर लेता है फिर उस और अल्लाह में कोई फ़र्क नहीं रहता। इनके अकॉर्डिंग जो है ना, जो मैंने आपको लिखा भी है यहाँ पे कि जो हमा उसका जो नज़रिया है उसके मुताबिक अल्लाह और बंदे का फ़र्क ख़त्म हो जाता है फनाफिल्ला पे जाके। तो वो कह रहे हैं कि जब फनाफिल्ला का मुकाम हासिल कर लेते हैं, इनमें ऐसा होता है। तो इसी तरह करके जब फिर वो आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि ये हमाउस जो है, इसका मतलब कि यूनिवर्स इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, खुदा दुनिया में जो कुछ है वो खुदा ही खुदा है। तो इसी का पैसेज आप जितने भी स्पिरिचुअल आप देखेंगे, सूफ़ी है, बुल्ले शाह है, खबो सचिल सरमस्त हैं, आगे भी आप पढ़ेंगे, इसके अंदर हमें ये स्पिरिचुअलिटी का मैसेज मिलता है, गॉड से मोहब्बत का मैसेज मिलता है। और मैंने आपको बताया है कि अल्लामा इकबाल की जो रुबाई है उसमें फेथ जो है ना, फेथ अकीदा, उसकी डेफिनेशन ये की गई है, सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज़ फेथ। बस दो चीज़ों को उसने फेथ कहा है। तो अब इसका मैंने उर्दू तर्जमा लिख दिया है, क्योंकि थोड़ी सी फिलोसफिकल पोइम है, थोड़ी सी डेप्थ में जाके समझ आती है, और इसका मैंने थीम भी लिख दिया है। थीम मैं आपको बता भी देता हूँ। इन सूफीज़म इट इज़ बिलीव्ड, सूफीज़म में ये बिलीव किया जाता है दैट अ मैन कैन रीच गॉड, खुदा तक इंसान पहुँच सकता है। कैसे? विद एक्सट्रीम लव, अपनी भरपूर मोहब्बत के ज़रिए। दे बिलीव इन, उनका ये यकीन है किस चीज़ पे? हमाउस मैंने बताया ना, पैंथीज़म, दैट दे ऑल इज़ गॉड, हर चीज़ खुदा है, इस पर उनका बिलीव है। इट मीन्स All is God. There is no difference between creator and creature. खालक और मखलूक में फ़र्क ख़त्म हो जाता है, एक ही बन जाते हैं इनके अकॉर्डिंग। At last, और आखिरी स्टेज में जाके फनाफिल्ला में क्या होता है? To sink in God's love, खुदा की मोहब्बत में डूब जाते हैं। फनाफिल्ला पे जाके खुदा की मोहब्बत में डूब जाते हैं। So, thank you very much for watching my video till last.